दोस्तों गुजरात के कच्छ में अनार की जो फेमस किस्म है इसकी अलग डिमांड रहती है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनार सबसे ज़्यादा जो बढ़िया क्वालिटी का अनार जो होता है वो गुजरात के कच्छ में तैयार होता है। भारत के कंपेयर में देखा जाए तो कई जगह अनार बनता है लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का अनार यहीं पर बनता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा फार्म है, ये देख लो। तो जो ये आप अनार का फार्म देख रहे हैं, पहले अनार दिखा देता हूँ आपको। देखो कितने सुंदर सुंदर अनार हैं, ये देखो लगे हुए हैं। यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मिलवाता हूँ किस तरीके से खेती की थी इन्होंने, कब स्टार्ट की थी, कितना मुनाफा ये हर साल कमाते, कितना खर्चा होता है, छोटी छोटी बातें जानने की कोशिश करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो पहले तो आपका परिचय दो जी। मेरा नाम रामेर शर्मा है जी, हम यहाँ मोटी खाकर में 30 साल से खेती कर रहे हैं जी। जी और अनार की खेती को लगाए हुए 7-8 साल हो गया है जी। ये हमारा चौथा पांचवा हार्वेस्टिंग है। पांचवी हार्वेस्टिंग है। तो कितनी मतलब 5 बार फसल ले चुके हो आप? हाँ 5 बार फसल ले चुके। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला साल था और अब का है जी, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है जी, थोड़ा बताओगे? इसमें कई टाइप के अनुभव हुए हैं, मतलब कोरोना का मेन अनुभव बताओ जी जो किसानों को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मेन तो क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए किसानों का जी। जो प्राइस भाव है वो क्वालिटी मटेरियल को ही मिलते हैं। अच्छा जी। और क्वालिटी होगा तो व्यापार करने में उसको बेचने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर मटेरियल आपका सही नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको भाव नहीं मिलेगा। सही बात है। भाव नहीं मिलेगा तो इसके अनार के अंदर बहुत कॉस्टिंग, बहुत खर्चा लगता है, तो किसान को इसमें कुछ बचत नहीं होगी। सही बात है। अच्छा तो जी, अगर मैं मान लो साल का एक साल का 1 एकड़ की बात करूँ जी, 1 एकड़ में अनार की जो खेती है उसका कितना खर्चा हो जाता है जी लगभग मोटा मोटी? ये सब की खेती, पानी और ट्रीटमेंट सबका अलग अलग है जमीन के हिसाब से, लेकिन अराउंड 1 लाख रुपीज पर एकड़ के हिसाब से लगभग मिनिमम खर्चा है साल आसपास, लगभग इसके आसपास खर्चा पहुंच जाएगा सब। अच्छा जी, मजदूरी सब आ जाएगी जी उसमें? मजदूरी भी आ जाएगी, टोटली खर्चा आ जाता है। अच्छा जी, तो मेन बात जो है जी किसान को क्या ध्यान रखनी चाहिए जिस वजह से घाटा ना जाए भाई? कुछ ऐसा खतरा रहता होगा जैसे मान लो मौसम का खतरा है, या मेन क्या खतरा है जो ध्यान रखना चाहिए किसान को, मतलब उसके लिए? तो ऐसे हम लोग जैसे कच्छ में खेती कर रहे हैं तो खेती में क्या है, इस अभी ग्लोबल वार्मिंग के जैसे जो वातावरण है पूरे देश में, पूरी दुनिया में चेंज हो गया है जी। तो हमें सबसे पहला तो अपने को इसका जो सेटिंग, फ्लावर सेटिंग करने के लिए जो वातावरण है उसको ध्यान में रख के और मार्केट को ध्यान में रख के हमको फ्लावर सेट करना है। भाई हमको किस पीरियड में हमको भाव मिल सकता है, किस पीरियड में हमको अच्छी सेटिंग हो सकता है, तो वो उसके हिसाब से किसानों को सोच के और किसानों को एक साथ इसमें थोड़ा आगे पीछे सबको सेटिंग करवानी चाहिए ताकि मार्केट के ऊपर दबाव ना आए, क्योंकि सबको भाव मिले। एक साथ माल आने से, बम्पर पैदावार होने से किसान दबाव में आता है। अच्छा जी। व्यापारी शोषण करता है, जो भाव मिलना चाहिए क्वालिटी का वो भाव नहीं मिलना। अच्छा, तो मैं आपका कहने का मतलब है कि जैसे फरवरी में माल आ रहा है तो सबका फरवरी में नहीं आना चाहिए, फरवरी में मान लो डेट वाइज थोड़ा आगे पीछे हो जाए। इंडिया के अंदर जैसे 3 से 4 जोन हो गए अनार के जी, जैसे महाराष्ट्र सबसे बड़ा अनार उत्पादक देश अपना प्रदेश है, तो वहाँ पर जैसे नवंबर तक, अभी जैसे जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, जुलाई से लेके और नवंबर तक पूरा महाराष्ट्र में ही जोर रहता है। वो लोग बहुत अच्छी क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, बहुत सुपर क्वालिटी में अनार तैयार करते हैं। अच्छा जी। तो उनको भाव की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और पानी वो सब और उनका अनुभव बहुत अच्छा है। बाकी उसके बाद फिर आता है राजस्थान, अपने नवंबर से दिसंबर से स्टार्ट होके फरवरी तक राजस्थान चलता है जी, जिसमें कुछ हिस्सा गुजरात का थराद एरिया है और हलवा एरिया। उसके बाद फरवरी के बाद स्टार्ट होता है अपना कच्छ के एरिया, कच्छ का फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक हमारे यहाँ मटेरियल चलता है। लेकिन अगर क्वालिटी है तो और भाव लेना है तो यहाँ पर समझो मार्च के बाद ही, मार्च अप्रैल मई के अंदर अगर आपका माल तैयार होता है तो कच्छ के किसान को 2 पैसा मिलेगा, क्योंकि बाकी उस टाइम में पूरे देश में दूसरी पैदावार कहीं नहीं होती अनार की। अच्छा, तो इस तरीके से मतलब सारे एक मंथ में ना होके अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव। उसका एक फायदा ये होता है कि भाई माल जो है ना प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक साथ नहीं होगा। अब जैसे ये जो मटेरियल है ये सुपर क्वालिटी माल है, ये इस टाइम इसका मार्केट मंडी में 110-115 रुपये रेट है। इसका वजन कितना होगा जी अंदाजा? ये लगभग 260-270 ग्राम का होगा। 260-270 ग्राम का होगा। अच्छा, इसका अभी अभी एट प्रेजेंट आज तारीख क्या है जी, तारीख के हिसाब से अंदाज सा भाव बता दो जी मेरे को,
ताकि और किसानों को पता चले। अभी 60 रुपए से लेकर 70 80 रुपए तक जैसा क्वालिटी 80 85 90 रुपए। आज 16 मार्च है ना, 17 मार्च आज, 17 मार्च हाँ, 17 मार्च है तो 17 मार्च का भाव बता रहे हैं। मैंने इसमें 60 से 70 पहले किया है, वो 75 रुपीस में दिया था। अच्छा पहले 75 के भाव गया था आपका? हाँ 100 ग्राम से व्यापारी यहीं से लिया था। अच्छा 100 ग्राम से लेके आधा किलो तक के सारे जो भी साइज होगा, 100 ग्राम की कंडीशन है, उससे ऊपर का जो अपना जो कच्छ में बन जाता है जी, हैवी अनार कितना भारी बन जाता है सबसे बढ़िया? मतलब 500-600 तक हो जाता है, 500-600 ग्राम तक का हो जाता है, 100 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक का माल तैयार हो जाता है। एवरेज 400 तक का माल आराम से इजीली किसान यहाँ बना सकता है, यहाँ पे बना सकता है जी। तो व्यापारी रेगुलर आते रहते हैं जी इधर? व्यापारी मंडियां जो होती हैं वो क्रम वाइज आ रही है, मतलब पहले महाराष्ट्र हो गया, फिर राजस्थान, राजस्थान पूरा होता है तब मंडी यहाँ पे चालू होती है। अब अगले 2-3 महीना यहीं पे चालू रहेगा, पूरा मटेरियल कच्छ से पूरे देश में माल यहीं से जाएगा, बाद में फिर महाराष्ट्र चालू हो जाएगा। हाँ, पहले महाराष्ट्र फिर राजस्थान फिर इधर, हाँ ऐसे कंटिन्यूस रेगुलर चलता है, हर वर्ष ऐसे होता है, सारा साल चलता है। तो अपना यहाँ से एक्सपोर्ट भी जाता हुआ जी माल? बिल्कुल, अपने जो पिछला माल दिया वो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में वो सारा क्वालिटी एक्सपोर्ट की थी, तो एक्सपोर्ट के भाव में तो यहाँ से 75 के भाव देंगे, वहाँ पे वो 150-200 का भाव तो बनाते होंगे आराम से। वो तो वहाँ का रहेगा, उसके ऊपर एक खर्चा भी चढ़ता है, 15-20 रुपये खर्चा चढ़ता है, फिर आगे जान जान जैसे कंट्री दुबई में थोड़ा अलग हिसाब है, बांग्लादेश साइड अलग है, इस टाइप का है। तो अच्छा जी एक बात और बताओ मेरे को, जैसे अभी अपना माल एक सीजन उतर गया, मतलब इस सीजन में जैसे अपने को माल मिलता है टोटल एकड़ पे, एकड़ पे कितना माल निकल जाता है जी एक सीजन में? मतलब आपने बताया जैसे फरवरी से शुरू हो जाता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक लगभग अपना माल जाएगा, तो टोटल कितना माल हो जाएगा जी एक एकड़ की बात करूं तो मैं, ताकि किसानों को मोटा मोटा अंदाज आ जाए भी इतना अभी माल। तो कच्छ में एवरेज है ना 5 किलो से लेके और 40 किलो तक 45 किलो तक माल उतरा, मतलब पर पेड़। अच्छा जी, वो किसान की अपनी अपनी मेहनत, जमीन और पौधे का साइज कितने साल का है, उसका रख रखाव, उसके हिसाब से 5 किलो से लेके 40-45 किलो तक माल उतर रहा है कच्छ में। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ एक पेड़ के हिसाब का बताया आपने? हाँ एक पेड़ का 5 से लेके और 45 किलो तक। हाँ, तो जैसा कमजोर पेड़ है तो 5 तगड़ा हो तो, वो स्टोरेज के ऊपर निर्भर करता है, खिलाया पिलाया कैसे किसानों को जानकारी है। मैं मेन इसका स्टोरेज अगर टाइमली तैयार होता है तो ये टाइमली फ्लावरिंग देता है, अगर स्टोरेज आपका आगे पीछे होता है तो फिर आगे पीछे आपका फ्लावर सेट होता है। एक साथ जब भी माल सेट होता है, फ्लावरिंग सेट होता है, तो प्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, आगे पीछे रहेगा तो थोड़ा प्रोडक्शन पे फर्क पड़ जाता है, तो जी क्वालिटी पे। और जैसे कोई किसान है जी अभी स्टार्टिंग में करना चाहे अनार का काम, तो आप उसके लिए क्या सलाह दोगे जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कितना बैकअप होना चाहिए तब शुरू करे? अनार की खेती करने में कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत है और एक्सपेंसिव वाली खेती है। एज ए बिजनेस मानकर आप इस खेती में उतर सकते हो, वरना इस खेती में नॉर्मल खेती की तरह आप इस खेती को नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे दुकानदार दुकान पे बैठा रहता है, जैसे नॉर्मल गेहूं है, चावल है, दूसरी जो नॉर्मल खेती है उसकी तरह, क्योंकि इसमें जो खर्च है, क्योंकि 1,00,000 रुपए पर एकड़ खर्च नॉर्मल किसान अपने देश का नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, जिसको व्यापार समझ के ही करना चाहिए, तो इसमें मतलब बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर 1 एकड़ में बो रहा है तो कम से कम 2-3 लाख रुपए उसके पास बैकअप में होने चाहिए। हाँ, एकड़ में मतलब समझो 350 पौधा लगाएगा, उसमें करना है तो 1,00,000 रुपए उसके पास पर एकड़ उसमें होना चाहिए, तब जाके वो फसल ले सकता है। अच्छा जी, तो दोस्तों मैंने जो खेती करते हैं अनार की, रामीर जी का एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पौधों के बीच की दूरी, किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए, कौन सी खाद यूज़ करनी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमने दी है, और ये ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया ताकि पानी बूंद बूंद करके पेड़ के जड़ तक पहुँचता रहे, आप देख सकते हो। और ये देखो क्वालिटी, ये हर साल इम्प्रूव करते हैं भाई, पिछले साल जो आप वीडियो देखोगे तो उसमें अनार की क्वालिटी में और अब की बार में आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। ये देखो क्वालिटी वाले अनार दिखेंगे आपको अब की बार, बिल्कुल रेड। उस साइड से दिखाता हूँ मैं, उधर से धूप लग रही है तो साफ दिखेगा आपको। ये देखो कोई इधर से तगड़ा बढ़िया से, ये रे ये देखो जी, और ये देखो भाई, ये दिखाओ जी, देखो भाई ये कितना वजन होगा जी अंदाज सा इसका? ये 300+। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है भाई, बिल्कुल एक टिकारी भी नहीं है इस अनार पे कहीं पे, आप देख सकते हो। तो ये अनार है जो फुल वैल्यू देखे जाता है, बाकी हल्के रह जाते हैं। ये देखो
तरीके से आप देख सकते हैं। इवीएन के सीन ले लेंगे, तो ठीक ये तो पर्दा होगा। हाँ ठीक हो रहा है। हाँ राम राम भाई साहब, मित्र को जैसा माल चाहिए जिसे पैसे खर्चे का उसका माल कैसे हो? बढ़िया एकदम उतरेगा। दे दिया बिल्कुल। क्या भाव दिया जी बताओ थोड़ा माल के बारे में। मैंने समझा नहीं। 62 रुपये के जी, 62 रुपये किलो में। हाँ जी जी, कितना माल था जी टोटल? टोटल माल अपने पास 50-60 टन है। 50-60 टन है जी, ठीक है। कुछ खराब भी गया जी माल? थोड़ा बहुत खराब तो निकलता है ना रिटर्न, जो मतलब फटा फूक पंचर कच्चा तो वो व्यापारी नहीं लेता है। अच्छा जी, तो यो सीजन कैसा रहा आपकी बार आपका? ठीक है, अच्छा गया। हाँ अच्छा है। खुश हो? बिल्कुल। ठीक है, तो दिखाओ अनार के बारे में बताओ, थोड़ा क्वालिटी बताओ थोड़ी। अच्छा है, देख लो अभी आप ग्रेडिंग उधर चालू। हाँ ग्रेडिंग देख के आया हूँ, थोड़ा आप भी बताओ मेरे को। ट्रॉली भरी है इसमें, जैसे जो आपने ऐसा लगे कि वो वाला काट देंगे, कोई एक अनार बताओ मेरे दिखा के और उसकी बताओ इतना नुकसान हो गया है इसमें एवरेज, थोड़ा किसानों को और बाकी देखने वालों को अंदाजा। ये पीस है ये फूग वाला, अंदर इसके अंदर ये आराम से अंदर ये देखो फूग है। अच्छा ये देखो, थोड़ी सी फूग आ गई ऊपर, इस वजह से इसने काट देंगे। और इस साइड से देखो आप कितना जोरदार अनार है, ये बड़े बड़े देखो इसमें भी। ये देखो भाई पूरा आधा किलो का अनार होगा कम से कम, आधा किलो का। लेकिन आधा किलो का अनार, थोड़ी सी फूक की वजह से ये वेस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, ये निकाल दे, रिटर्न है माल हो जाएगा सब। ये देखो ये फूक वाले बड़े बड़े पीस। एवरेज कितना कितना नुकसान हो जाए जी? 10 किलो पर अगर मानना तो 10 किलो कितना माल खराब चला जाए? एक्चुअली ऐसे फूक, ये हमारी गलती है, अगर पहले उतारना चाहिए था थोड़ा सा। अच्छा ये अपनी गलती की वजह से? पीस के बारे में बताओ जी ताकि और किसान ध्यान रखें। नहीं वो जैसे तैयार हमने क्या ढक रखा था तो अंदर माल देखा नहीं, तो इस चक्कर में ये अंदर ही अंदर फूक आ गई और पक्के रिटर्न हो गया। मतलब अगर एक्यूरेसी से अगर हम देखते तो ये अपना नुकसान बच जाता, बच जाता। मतलब ये मेरा समझ पूरे बगीचे में 1.5-2 टन माल ऐसा, 1.5-2 टन माल निकला, तो 1.5-2 टन माल ये खराब हो जाता है मतलब। हाँ तो 1.5-2 टन में मान लो आपकी मजदूरों की तो सैलरी निकल जाती नहीं? ये देखिए ना वो कह रहा है इस माल में है सब, ये जो टूट रहा है ना ये, हाँ इस माल को, तो फिर पूरा कलरे वाला माल हो गया।